हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HS एजुकेशन। मैं हूं भूपेंद्र और एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूं मैं अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश यूपी बोर्ड क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। इससे पहले हमने कंजक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम कंजक्शंस के काइंड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। कंजक्शन के दोस्तों हमारे टू काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन या फिर इसकी थ्योरी क्या होती है, जिससे हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ पर जो वर्ड आया है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का जो अर्थ होता है उसे बोलते हैं समान श्रेणी या कोटि, जिसे हम इंग्लिश में इक्वल रैंक भी बोलते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान श्रेणी या कोटि या फिर इंग्लिश में इक्वल रैंक, ये होता है। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है इसका प्रयोग हमेशा दो इक्वल रैंक वाले वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, या दो इक्वल रैंक वाले फ्रेजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर दो इक्वल रैंक वाले क्लॉजेस या सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर इसे दूसरी भाषा में समझें यानी जो समान फंक्शन करने वाले शब्द होते हैं उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट है राम एंड श्याम वर प्लेइंग चेस। यहाँ पर राम क्या है नाउन सब्जेक्ट और श्याम क्या है नाउन सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर राम क्या कर रहा है चेस खेल रहा है, श्याम क्या कर रहा है वो भी चेस खेल रहा है, यानी राम और श्याम दोनों चेस खेल रहे हैं। तो ये दोनों समान फंक्शन कर रहे हैं, दोनों समान काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो राम और श्याम को वर्ड जोड़ रहा है एंड, ये हमारा एंड क्या होगा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक है। वैसे ही सेकंड है मीरा एंड आई वेंट टू आगरा। मीरा और मैं आगरा गए। यहाँ पर मीरा क्या है नाउन सब्जेक्ट और आई क्या है प्रोनाउन सब्जेक्ट। यहाँ पर मीरा आगरा गई और मैं आगरा गया, यानी आगरा जाने का जो काम हो रहा है वो दोनों के द्वारा हो रहा है, यानी दोनों समान फंक्शन कर रहे हैं। मीरा भी वही फंक्शन कर रही है और आई भी वही फंक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड आया है यहाँ पर एंड, ये हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं पुअर और ऑनेस्ट, ये दोनों क्या हैं एडजेक्टिव हैं, ठीक है। वही यहाँ पर यही दे रखा है दो इक्वल रैंक वाले वर्ड्स को जोड़ने के लिए, तो राम और श्याम दो इक्वल रैंक वाले वर्ड हो गए, मीरा और आय दो इक्वल रैंक वाले वर्ड हो गए, और यहाँ पर पुअर और ऑनेस्ट ये भी दोनों इक्वल रैंक वाले वर्ड हो गए क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। तो इन दोनों इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, वो कर रहा है बट। तो बट क्या हुआ हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। मेंढक पानी में रहता है और जमीन पर रहता है, या फिर मेंढक जमीन पर रहता है और पानी में रहता है, यानी पानी में रहने का काम और जमीन पर रहने का काम एक ही व्यक्ति यानी एक ही जो है एनिमल कर रहा है, ठीक है। फ्रॉग एक ही है जो वो कर रहा है और ये दोनों क्या है हमारे इक्वल रैंक वाले फ्रेजेस हैं। वहां पर देखो वर्ड का जो एग्जांपल थे वो क्लियर हो गए और यहाँ पर इन वाटर और ऑन लैंड ये दोनों इक्वल रैंक वाले फ्रेजेस हैं, तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है एंड, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड। अंशु अच्छी है लेकिन उसके चाचा जी बुरे हैं। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस में यहाँ पर इज आया है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब जिसे हम कनेक्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आया है और ये दोनों सेंटेंस हैं अंशु इज गुड हर अंकल इज बैड, ये दोनों इक्वल रैंक वाले सेंटेंसेस हैं क्योंकि दोनों में इज आ रहा है, ये नहीं है कि यहाँ पर इज है तो वहां पर हैज हैव है या फिर विल या शैल है, कोई अलग नहीं है, दोनों इक्वल रैंक वाले सेंटेंसेस हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन सा वर्ड कर रहा है, वो कर रहा है बट। तो बट हमारा क्या होगा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। तो दोस्तों यही होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें हमारा सेकंड सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कंजक्शन कौन सा होता है, यहाँ पर जो वर्ड है सब ऑर्डिनेट, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग में से सब ऑर्डिनेट जो वर्ड है इसका जो अर्थ होता है वो होता है आश्रित या दूसरे पर निर्भर रहने वाला, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो प्रयोग होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए किया जाता है। अभी दो क्लॉज कौन कौन सी होती है पहले इसको जाना बहुत जरूरी है, यदि हमें ये नहीं पता होगा तो हम इसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें पहली चीज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग होता है कि वो क्लॉज या वो सेंटेंस जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि इसे दूसरे सेंटेंस या क्लॉज की जरूरत है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और इससे पहले हमेशा कंजक्शन आता है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसे पढ़कर ऐसा हमें नहीं लगता कि इसे दूसरे सेंटेंस या दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है, और प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कंजक्शन नहीं आता है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहला है इफ ही कम्स आई शैल गो, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। अब यहां पर ये जो वर्ड आया है यदि वह आता है, अब इसे पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत है कि यदि वह आता है, लग रहा है ना, तो भैया क्या होगा यदि वह आता है तो यहां पर ये जो क्लॉज है इफ ही कम्स, ये कौन सी क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, और इससे पहले हमेशा कंजक्शन आता है, तो इससे पहले जो कंजक्शन आ रहा है इफ ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर इफ क्या होगा, इफ यहां पर हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पर जो अब कैसे बनेगा, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा इसे पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा कि हमें दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, तो इसलिए यहां पर ये जो होगा आई शैल गो क्लॉज होगी, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, आई वेंट आउट, फिर भी मैं बाहर गया। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है ये क्लॉज है इसे हम पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, हालांकि बारिश हो रही थी। अब इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरे सेंटेंस की जरूरत है कि हालांकि बारिश हो रही थी, तो भैया क्या हुआ, ठीक है, और इससे पहले क्या आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉज हमारी कौन सी होगी, ये क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। और मैं बाहर गया आई वेंट आउट, इसे पढ़कर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो होगा क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है इस क्लॉज से पहले ऑल्दो हमारा कौन सा कंजक्शन होगा, ये होगा हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है। ऐसे ही आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहती है, या फिर मैं नहीं जानता जहां वह रहती है। अब यहाँ पर ये जो क्लॉज आया है इससे पहले हमारा कंजक्शन आया है, जैसे कि मैंने बोला कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले हमेशा कंजक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंजक्शन आ रहा है वेयर, ये वेयर हमारा कौन सा कंजक्शन होगा, ये होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, एंड इफ एनीथिंग इज आउट ऑफ योर माइंड फ्रॉम दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स।